हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आप सभी को बताना हूँ कि एक सिंपल बिल बॉक्स कैसे आपको इनेबल करवाना है, कैसे आपको एलिजिबल करवाना है अपने अकाउंट में। तो गाइस पूरी जानकारी देना हूँ, साथ ही साथ रीज़न क्या हो जाता है कि आपका सिंपल एलिजिबल नहीं होता या फिर सिंपल बिल बॉक्स एलिजिबल नहीं होता आपके अकाउंट में। तो गाइस पूरी जानकारी देने के लिए इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम जान लीजिए, मैं हूं निकेश जौहर, आप देख रहे हैं टेक इन्वेंटेड। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं सिंपल प्लेट एप्लीकेशन है क्या। तो गाइस सिंपल प्लेट एप्लीकेशन एक तरीके से प्लेट एप्लीकेशन, जैसे आप सभी को पता है यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशंस, यहाँ पे प्लेट है, यहाँ पे आपको क्रेडिट दिया जाता है, क्रेडिट दे देते हैं ताकि आप इंस्टेंट वन टैप में पेमेंट कर पाएँ और बाद में रीपेमेंट आप उसको कर दें। अगर आप रीपेमेंट में लेट हो जाते हो, अगर आप यहाँ पे जो डेट होता है, जो आपका ड्यू डेट होता है, अगर आप उसके बाद पेमेंट करते हो तो आपको यहाँ पे लेट फी या पेनल्टी पेमेंट करना पड़ता है। तो गाइस यहाँ पे आपको वन टैप पेमेंट मिल जाता है। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे बिल बॉक्स एलिजिबल होते हो तो आप यहाँ पे सिंपल एप्लीकेशन के थ्रू रिचार्ज कर सकते हो, चाहे वो डीटीएच रिचार्ज हो, मोबाइल रिचार्ज हो। तो गाइस यहाँ पे आपको सिंपल प्लेट एप्लीकेशन में सबसे पहले रीज़न ये हो जाता है नॉट एलिजिबल का कि आप यहाँ पे पेमेंट एक भी ट्रांजेक्शन नहीं करे होते। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यहाँ पे क्रेडिट प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, मतलब अगर आप एलिजिबल हो तो यहाँ पे आप ट्रांजेक्शन नहीं करते हो। कम से कम यहाँ पे आप 10 से 12 बार ट्रांजेक्शन करिए और अपना लिमिट इंक्रीज करिए। तो गाइस बहुत सारे लोग मुझे ये भी कहते हैं कि कैसे आपको लिमिट इंक्रीज करना। तो गाइस यहाँ पे सिंपल एक ही ट्रिक है कि सबसे ज़्यादा आप यहाँ पे ट्रांजेक्शंस करिए। अगर जितना आप ट्रांजेक्शन करोगे, जितना आप ड्यू पेमेंट रिसाइकल पेमेंट करोगे, उतना आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है, उतना आपको क्रेडिट इंक्रीज कर जाएगा। मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, मेरा जो अकाउंट था उसमें मुझे क्रेडिट मिला था 300 रुपीज़, बट मैंने यहाँ पे ग्रोफर एप्लीकेशन पे या फिर जोमेटो एप्लीकेशन पे या फिर जियोमार्ट एप्लीकेशन पे, बहुत सारे एप्लीकेशन पे मैंने यहाँ पे वन टाइप पेमेंट करा, मतलब सिंपल एप्लीकेशन के थ्रू पेमेंट करा और ड्यू डेट होने से पहले ही मैंने इसको रिपेमेंट कर देता था। फर्स्ट टाइम जब मैंने जोमेटो एप्लीकेशन पे पेमेंट करा था, मैंने लगभग 3 से 4 महीने के बाद ड्यू अमाउंट पे करा था, तभी मेरा अकाउंट ब्लॉक नहीं करा गया था। साथ ही साथ मुझे यहाँ पे लिमिट भी कम नहीं करा गया, बट यहाँ पे मुझे 300 रुपीज़ का लिमिट ही स्टार्टिंग में प्रोवाइड करा गया था। फिलहाल में मेरा लिमिट है 5400 रुपीज़। तो जब आप यहाँ पे ट्रांजेक्शन ज़्यादा करते हो तो आपको यहाँ पे बिल बॉक्स भी प्रोवाइड कर दिया जाता है। जब यहाँ पे सिंपल एप्लीकेशन को आप पर विश्वास हो जाता है कि आप यहाँ पे सक्सेसफुल पेमेंट कर दोगे, मतलब यहाँ पे ड्यू अमाउंट आप पेमेंट कर दोगे। अगर आपको नहीं पता कि बिल बॉक्स है क्या, तो मैंने उस पर डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, आप इसलिए वो वीडियो देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का दे रखा है। तो गाइज मैंने आपको पूरी जानकारी दे दिया कि बिल बॉक्स कैसे आपको एलिजिबल करवाना है, क्या रीज़न है, क्यों नहीं होता। सो गाइज आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इस वीडियो से मदद मिली हो, इस वीडियो से जानकारी मिली हो, तो गाइज प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को और देना सब्सक्राइब, क्योंकि हम आप सभी के लिए सिर्फ और सिर्फ आप सभी के लिए कुछ इसी तरीके वैल्यूएबल कॉन्टेंट लाते रहते हैं। तो गाइज फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।